कांगड़ा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक हुई है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नेता विपक्ष ने कांग्रेस पर प्रदेश की महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में संस्थानों को डी नोटिफाई करने के फैसले को जन विरोधी बताया। जयराम ठाकुर यही नहीं रुके, ठाकुर ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के अभी 4 महीने ही गुजरे हैं, बावजूद इसके जनता सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गई है। ये बड़ा दिलचस्प ये है, शोर इस कदर उन्हें डालने की कोशिश की जैसे कि पीछे की सरकारें जो रही है उन्हें कर्जा लिया ही। जब आंकड़े विधानसभा के अंदर पूछे गए तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कर्जे लिए वो कांग्रेस की जो 12 से 18 तक जो सरकार रही, 2012 दिसंबर से 2017 तक जो सरकार रही उसकी तुलना में ज्यादा नहीं लिए, उतना ही कर्जे लिए। अब आज हम इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि हम तो हिमाचल प्रदेश में एक साल में लगभग 4000 करोड़ ऋण लिए, एक साल में 4000 और लगभग 5 साल में ये 20000 करोड़ के लगभग बनता है, लेकिन यहां तो सारा रिकॉर्ड टूट गया। 3 महीने में 6000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी ले चुकी।